ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। यूनियन के पदाधिकारियों ने आरटीओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि मुरादाबाद के आरटीओ कार्यालय पर ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने आरटीओ को एक ज्ञापन देते हुए कहा है कि ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आरटीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा है कि यदि ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि ये ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न नहीं पदाधिकारियों का उत्पीड़न है, जिसे अधिकारियों ने नहीं बदला तो हम प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पदाधिकारियों की होगी। मंगलवार को सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने एक आरटीओ को ज्ञापन सौंपा। चौधरी मुमताज आलम, देखिए हमारी जो न्यू जनता ऑटो एवं रिक्शा चालक यूनियन जनपद मुरादाबाद द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष इमाम साहब के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ई रिक्शा चालक और जो ऑटो चालक की जो जन समस्या है उस पर विस्तार से बात हुई अधिकारियों से। आज आई लगा कि हम लोग किसी अच्छे अधिकारी से और किसी पारिवारिक लोगों से हम बात कर रहे हैं। पारिवारिक तरीके से हम लोगों की समस्याओं को सुना और उस पर विचार भी किया और उसे हमें आश्वासन दिया कि ये समस्याएं जो हैं आपकी वो ख़त्म हो जाएंगी। मुख्य तौर पे क्या समस्या? देखिए मुख्य तौर पे ये हमारी समस्या है कि जैसे फिटनेस का मामला है और जैसे कि हमारे हम लोग चालक, जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि चालकों की जो हमारा लाइसेंस है, जो लाइसेंस पर अवैध रूप से उगाही हो रही है, इसको बंद किया जाए। और आजकल ऑटो चालक जो आते हैं ऑनलाइन हो गया, 1500-1600 रुपये खर्चा, कम से कम 5500 रुपये होता है। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी हमारी चालकों की है, जिनको हम सुरक्षा मुहैया कराएं, इसलिए हमने आज उनसे कहा कि हम लोगों का कैंप द्वारा सभी लोग जो चालक हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका लाइसेंस बनवा दिया जाए। तो कहा गया है कि आप ऑनलाइन कराइए और जो भी समस्याएँ आएँगी उसे दूर करने का हम काम करें।